बस कुछ ही दिन बचे हैं और साल 2023 को भी सभी अलविदा कहने वाले हैं। ये साल चाहे किसी के लिए अच्छा हो या नहीं, पर बॉलीवुड के लिए तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि महामारी के कारण फिल्मों को बड़ा नुकसान होने के बाद दर्शक सिनेमाघरों में वापस जाने के उत्सुक थे। कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े और बनाए, जिससे पता चलता है कि भारतीय दर्शकों का सिनेमा के प्रति कितना प्यार है। डंकी और सालार 2023 के अंत में रिलीज होने वाली कुछ फिल्में हैं जिनसे ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीदें हैं। अब जैसे जैसे 2023 खत्म हो रहा है, जरा उन भारतीय फिल्मों की सूची पर एक नजर डाल लेते हैं जिन्होंने इस साल बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया। पहले नंबर पर है फिल्म पठान। शाहरुख खान ने 4 साल बाद सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी की। फिल्म ने कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसे तुरंत ब्लॉकबस्टर करार भी दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे। दूसरे नंबर पर आती है गदर 2। गदर 2 2001 की हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। फिल्म ने अपनी घोषणा के बाद से ही दर्शकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया था और फैंस को उम्मीद थी कि गदर 2 सभी की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गदर 2 ने दुनिया भर में 620 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और अगस्त 2023 के दौरान रिलीज हुई फिल्मों को भी कड़ी टक्कर दी थी। अब बात करते हैं रजनीकांत की मूवी जेलर की। सुपरस्टार रजनीकांत बड़े पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में कभी असफल नहीं होते हैं और हमेशा अपने आकर्षण और शानदार अभिनय से अपने फैंस को प्रभावित करने में भी कामयाब होते हैं। उन्हें आखिरी बार एक्शन फिल्म जेलर में देखा गया था, जिसने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और भारत में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। अगली मूवी की बात करें तो वो है जवान। पठान की रिलीज के बाद से ही सभी की निगाहें शाहरुख खान के अगले प्रोजेक्ट जवान पर ही टिकी थी। सुपरस्टार ने जवान के लिए तमिल फिल्म निर्माता एटली के साथ सहयोग किया और फिल्म ने सफलतापूर्वक सभी रिकॉर्ड भी तोड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो जवान ने एक महीने में ही दुनिया भर से 733 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। अब बात करते हैं एनिमल की। एनिमल बॉक्स ऑफिस पर अजय बन गई है और इसे फैन से काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। फिल्म एक पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी से लेकर इसके गानों तक लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। बात करें कि मूवी ने कलेक्शन कितना किया, तो ऐसा बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।